दोस्तों, कहा जाता है कि जब 14 वर्षों का वनवास काटकर भगवान श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौटे, तब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था। तब दरबार में आए सभी लोगों को भगवान राम और सीता माता द्वारा कुछ न कुछ उपहार दिए जा रहे थे। तभी माता सीता ने एक कीमती हीरो की माला हनुमान जी को भेंट में दी और हनुमान जी ने भी वह माला खुशी खुशी ले ली और एक कोने में जाकर उस माला को बड़े गौर से देखने लगे और बहुत देर तक देखने के बाद उन्होंने वो माला तोड़नी चालू कर दी। ये सब देखकर दरबार में सभी लोग चकित रह गए। हनुमान जी के द्वारा तोड़ी गई माला को देखकर लक्ष्मण जी ने गुस्से में आकर भगवान श्री राम से पूछा कि भैया, हनुमान ने माता सीता द्वारा दी गई माला का निरादर किया है। तो भगवान राम ने उत्तर दिया कि हनुमान ने ऐसा क्यों किया है, इसका उत्तर तो केवल हनुमान ही दे सकते हैं। जब हनुमान जी से पूछा गया तब उन्होंने बताया कि जिस वस्तु में भगवान श्री राम का नाम न हो वो वस्तु मेरे लिए बेकार है। जब मुझे इस हार में भगवान श्री राम का नाम नहीं मिला तो ये अमूल्य हार भी मेरे लिए बेकार हो गया। और हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए कोई भी वस्तु श्री राम के नाम के बिना समझ में नहीं आती, इसलिए मेरे हिसाब से ऐसी वस्तु को छोड़ देना चाहिए जिसमें श्री राम का नाम न हो। तभी लक्ष्मण जी बोले, हे हनुमान, तुम्हारे शरीर पर भी तो श्री राम का नाम नहीं लिखा है। लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर हनुमान जी ने भरे दरबार में अपना सीना चीरकर सभी लोगों को दिखा दिया। उनके सीने में भगवान राम और सीता माता की छवि देखकर सभी लोग चकित रह गए और यह सब देखकर लक्ष्मण जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी इस गलती के लिए हनुमान जी से क्षमा मांगी।